हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र संकट, शिंदे के साथ असम पहुंचे 40 बागी विधायक। सत्तारूढ़ शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने बुधवार को दावा किया कि उनके साथ 40 बागी विधायक असम के गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि यहां 40 विधायक मेरे साथ मौजूद है, अतिरिक्त 10 विधायक जल्द ही मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि हम दिवंगत बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना को जारी रखने के इच्छुक हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो ट्वीट किया है। ये वीडियो सूरत के होटल का बताया जा रहा है, जिसमें एकनाथ शिंदे बड़ी संख्या में विधायकों के साथ दिख रहे हैं। इसमें करीब 35 से 36 व्यक्ति पोज देते दिखाई दे रहे हैं। वहीं शिवसेना के बागी विधायकों के संग सूरत से गुवाहाटी पहुंचे शिंदे ने 40 विधायकों को समर्थन का दावा किया है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि मंगलवार को जब उद्धव ठाकरे ने शिवसेना विधायकों को अपने घर बुलाया तो सिर्फ 17 से 18 की संख्या में ही MLA वहां पहुंचे। आपको बता दें कि शिवसेना के पास विधानसभा में 55 विधायक हैं। हाल ही में संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई, जिसके सहारे BJP 5 सीट जीतने में सफल रही। शिवसेना के बागी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 33 और 7 निर्दलीय विधायक बुधवार को भाजपा शासित असम के गुवाहाटी के एक लग्जरी होटल में पहुंचे। शिवसेना में विद्रोह ने अटकलों को जन्म दिया है। ये अटकल कि शिंदे अन्य विधायकों के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए भाजपा में शामिल हो सकते हैं। शिवसेना विधायक अब गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हुए हैं। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर भाजपा विधायक सुशांत बोरगोहेन और भाजपा सांसद पल्लव लोचन दास ने शिवसेना विधायकों का स्वागत किया। बोरगोहेन ने कहा, मैं विधायकों को लेने आया था, मैंने ये नहीं गिना कि कितने विधायक आए हैं, मैं यहाँ निजी संबंधों के लिए आया हूँ। उन्होंने किसी कार्यक्रम का खुलासा नहीं किया है। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से खास रिपोर्ट।